आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ सलामी मंच पर उपस्थित श्री संजय अरोरा जी, दिल्ली पुलिस आयुक्त श्री रोबिन हिबू जी, दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त, प्रेक्षक दीर्घा में उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव महोदय, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय, दिल्ली पुलिस के सभी पूर्व पुलिस आयुक्त और आज की परेड में शामिल दिल्ली पुलिस के जवानों और दिल्ली पुलिस के परिवारजनों, आप सभी को मैं दिल्ली पुलिस के स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मेरे लिए भी ये गर्व की बात है कि 75 साल की एक अक्षुण परंपरा का आज मैं हिस्सा बन रहा हूं। आजादी के प्राप्त होने के दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस इसके गौरवमयी इतिहास से समग्र देश की प्रशंसा प्राप्त करती रही, क्योंकि यहां पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर सभी संवैधानिक पद पर विराजमान महानुभाव यहां निवास करते हैं। दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद व्यवस्था से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। मैं आज 76वें के स्थापना दिन के दिन पर ये 75 साल की यात्रा करते करते जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ये सभी जवानों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हाल ही में जिनके अमर बलिदान ने हम सबको आंखों में आंसू लाने के लिए मजबूर कर दिया, ये बहादुर एएसआई शंभू दयाल को भी याद करकर श्रद्धांजलि करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, पुलिस और उसका कार्य आजादी के तुरंत बाद बदलना चाहिए था। आजादी के पहले पुलिस के काम में कहीं सेवा का सूत्र नहीं था। आजादी के पहले पुलिस का काम एक रूप से आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था सुचारू करना, कानून और व्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखना, ये तो था ही, परंतु मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन के हितों की रक्षा करना, यही पुलिस का दायित्व था। आजादी के बाद दिल्ली पुलिस शांति, सेवा और न्याय के सूत्रों के साथ आगे बढ़ी और ये उद्देश्य परिवर्तन के साथ ही ये 75 साल की यात्रा में दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों में, अपनी गतिविधियों में और अपने विचारों में ढेर सारा परिवर्तन लाया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं ये परिवर्तन ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व दिशा का है। अभी अभी देश और दुनिया, पूरा विश्व एक सदी की सबसे भयानक महामारी में से गुजरा और उस वक्त दिल्ली पुलिस का जो मानवीय चेहरा हम लोगों के सामने आया है, इसने पूरे देश और दुनिया में दिल्ली पुलिस की छवि को बदलने का काम किया है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने कोरोना के वो काल के अंदर दिल्ली के एक एक वृद्ध व्यक्ति की चिंता की, एक एक बीमार व्यक्ति की चिंता की, चाहे उनके परिवार में कोई था या नहीं था, दिल्ली पुलिस सदैव उनका परिवार जन मान बनकर उनके साथ रही और उनके जान की रक्षा की। ये करते करते
कई दिल्ली पुलिस के जवान स्वयं कोरोनाग्रस्त भी हुए, कई जवानों ने अपने जान का बलिदान भी दिया, मगर दिल्ली पुलिस ने जब तक कोरोना से समाज को मुक्ति नहीं मिली, हंसते हंसते अपनी ड्यूटी को शांति, सेवा और न्याय के सूत्र को चरितार्थ करने का काम चालू रखा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज स्थापना दिन की परेड के साथ साथ कई सारी चीजों को साथ में जोड़ा गया है। सबसे पहली काम मोबाइल टैबलेट द्वारा पासपोर्ट का सत्यापन। दिल्ली जैसे शहर में हम सब जानते हैं कि समय की कीमत कितनी होती है। अब दिल्ली में बसे हुए भारत के नागरिकों को पासपोर्ट लेने के लिए पासपोर्ट के पुलिस स्टेटस का सत्यापन करने के लिए 15 दिन की राह नहीं देखनी पड़ेगी, 5 ही दिन में उनको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, एक साथ अपने घर पर ही ऑनलाइन आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना औसत 2000 पासपोर्ट के एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं, और वो 2000 एप्लीकेशन का प्रोसेस अब ऑनलाइन होने से जनता की सुविधा में बहुत बड़ी फर्क आने वाला है, सुविधाएं बढ़ने वाली है और उनकी दिक्कतें कम होने वाली हैं। आज दिल्ली पुलिस में मोबाइल फॉरेंसिक वाहनों का शुभारंभ हुआ है, ट्रायल बेस पर इसका पहले काम देख चुके हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में दिल्ली देश का ऐसा पुलिस बल, पहला पुलिस बल बनेगा जो 6 साल और 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर फॉरेंसिक टीम के विजिट के साथ ही इसकी जांच होगी। हमारे देश के न्याय तंत्र को फॉरेंसिक साइंस का एविडेंस का आधार देकर मजबूत करने की बहुत जरूरत है, और इसलिए ये शुरुआत 1 साल पहले मैं दिल्ली पुलिस को कहा था, दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत भी कर दी, और अब ये फॉरेंसिक वाहन जोड़ने के साथ साथ इसकी 100% पूर्ति भी होने वाली है। ये जो वाहन अभी आपने देखे वो सीसीटीवी कैमरों के साथ, एलईडी स्क्रीन भी वहां उपलब्ध है, एक मिनी रेफ्रिजरेटर भी उपलब्ध है जिससे तरल पदार्थों का संग्रहण हो जाएगा, एक टेबल टॉप स्टीरियो माइक्रोस्कोप भी है, और कुल 14 अलग अलग प्रकार की फॉरेंसिक किटों से युक्त ये वाहन जब क्राइम सीन का विजिट करेगा तब सजा कराने के हमारे जो दोष सिद्धि का प्रमाण है इसमें बहुत बड़ी वृद्धि करेगा। फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के एनएफएसयू के दिल्ली परिसर में आज से शैक्षिक सुविधाओं के लिए भी एक बहुत आधुनिक बिल्डिंग 34 करोड़ रुपए से बना हुआ आज इसका लोकार्पण हुआ है। 5000 से ज्यादा वर्ग मीटर में फैला हुआ ये बिल्डिंग विद्यार्थियों की सहायता करेगा और उनको एक अच्छे माहौल में अपना अध्ययन और अपना रिसर्च करने के लिए एक अच्छा माहौल की पूर्ति करेगा, और 90 आधुनिक छात्रावास के कमरे भी इसके साथ जुड़े गए हैं। मित्रों, फॉरेंसिक जांच न्याय प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल आने वाले दिनों में रखने वाला है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे, और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इसे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य
साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। अगर ये करना है तो देश भर के अंदर फॉरेंसिक साइंस का जाला फैलाना पड़ेगा, और वही सुधारों में हम जिसका दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रायल शुरू कर दिया है वो सुधार भी लाने जा रहे हैं कि 6 साल और इससे ज्यादा अपराध वाले हर सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। अगर ये करना है तो हमें एक ट्रेन मैन पावर चाहिए, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में निष्णात हमारे युवा कर्मी चाहिए, और इसकी उपलब्धि के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और कम समय के अंदर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी आज देश के 9 राज्यों में अपने कैंपस खोल चुकी है, और आने वाले दिनों में लगभग देश के हर राज्यों में 2 साल के अंदर ये कैंपस खोलने का काम समाप्त हो जाएगा। और ये जो कानूनी परिवर्तन करने जा रहे हैं इसको ट्रेन मैन पावर का आधार मिलेगा। आज दिल्ली में ये जो शुरुआत हुई है मैं इसका बहुत मन से स्वागत करता हूं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जब कहा तब मुझे लगता था कि कितना हो पाएगा, मगर उन्होंने बहुत कम समय में परिपत्र भी किया और परिपत्र की पालना हो सके इस प्रकार की सभी व्यवस्था यहां पर बनाई है, इसका मुझे आनंद है और इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दिल्ली पुलिस के सामने 2023 का साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। हम सब जानते हैं कि वर्ष G20 में भारत की प्रेसिडेंसी का वर्ष है, और जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आएंगे, एक साथ आएंगे, एक ही स्थान पर इकट्ठा होंगे और एक ही स्थान पर विश्व की स्थिति के बारे में चिंतन मनन करेंगे, उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक की दृष्टि से तीनों दृष्टिकोण से दिल्ली पुलिस को सज्ज रहना पड़ेगा। मुझे आनंद है अब तक जितनी भी मीटिंग हुई है इसमें हमें उत्साहवर्धक समाचार मिला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ये चुनौती को भी देश को यश दिलाएंगे और G20 की सभी व्यवस्थाएं ढंग से होगी। मैं पिछली बार जब दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर आया था तो भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर 20 लिंब के अंदर सुधार की प्रक्रिया को हमने व्याख्यायित करी थी, और ये 20 लिंब पर जो सुधार की प्रक्रिया व्याख्यायित की थी मुझे आनंद है उसमें से 16 क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के काम में बहुत बड़ा सुधार होना है। दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म दिल्ली की समग्र दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ये बात भी जरूर करना चाहूंगा कि देश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति और आंतरिक सुरक्षा ये दोनों मोर्चे पर 2014 से लेकर 2023 तक आमूल चूर परिवर्तन आए हैं। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पर संपूर्ण वर्चस्व हमारी सुरक्षा एजेंसियों का दिखाई पड़ता है। आप आंकड़ों को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी गिरावट आतंकी घटनाओं में आ रही है। आतंकी घटना छोड़िए, पहले आए दिन पथराव होते थे, जुलूस निकलते थे, बंद के कॉल होते थे, आज पूरा कश्मीर पथराव बंद और जुलूस से मुक्त होकर लाखों सैलानियों की आवभगत के अंदर पड़ा है। करोड़ों लोग कश्मीर के अंदर यात्रा के लिए भी जाते हैं, टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, और शांत कश्मीर को देखकर मन का संतोष लेकर देश के कोने कोने में जाते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन कश्मीर की स्थिति में अभी आया है। मित्रों, इसके साथ साथ वामपंथी उग्रवाद कई दशकों से हमारे देश के लिए बड़ी चिंता का कारण बना था। एक जमाने में कहते थे काठमांडू से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाया है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं
कि वामपंथी उग्रवाद विगत सालों में सबसे कम हिंसा के आंकड़े कोई एक वर्ष में आए हैं तो 2022 में आए हैं। वो सिमटता 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 सिर्फ 46 पुलिस थानों तक सिमट कर रह गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा बलों की, चुस्ती दुरुस्त के साथ वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में वैक्यूम के एरिया में आगे बढ़े हैं, हम विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं, शौर्य का परिचय साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़े हैं और इसी का परिणाम है कि वामपंथी उग्रवाद सिमटता जा रहा है। झारखंड और बिहार की बॉर्डरों पर बुरा पहाड़ और बाकी सारे क्षेत्र को पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का काम हमारे सुरक्षा बलों ने किया है। मैं इस मंच से भारत सरकार के और राज्य सरकारों के सभी सुरक्षा बलों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अनेक इंसर्जेंसी फैलाने वाले ग्रुप कार्यरत थे, आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी शांति प्रस्थापित हुई है। अब सपा जो एक जमाने में मानव अधिकार के आंदोलनकर्ता आंदोलन करते थे कि अब सपा को हटाइए, हमने अब सपा हटाएंगे नहीं, ऐसा 2014 में नहीं हटाएंगे, हम सुरक्षा बलों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा 2014 में हमारे घोषणा पत्र में कहा था जब चुनाव हुआ। मुझे बात का आनंद है कि सुरक्षा बलों ने और भारत सरकार ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है कि 60% उत्तर पूर्व से आज अब सपा हट गया है और अब सपा हटा है क्योंकि वहां शांति बहाल हुई है। मित्रों, वहां पर 8,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आने का पसंद किया है। कई उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौते किए हैं और समझौतों को स्पिरिट के साथ लागू किया है। इसके कारण सरकार की और गृह मंत्रालय की विश्वसनीयता बढ़ी है। इसके कारण ढेर सारे उग्रवादी संगठन सीज फायर में भी आए हैं और उनके समझौतों को अंतिम स्वरूप देने का काम हो रहा है। राज्यों राज्यों के बीच में सीमा के जो विवाद है, इसके लिए भी गृह मंत्रालय ने इनिशिएटिव लिया और कई राज्यों के सीमा के विवाद जो राज्यों की स्थापना से चल रहे थे, इसको समाप्ति कर हमने शांति का काम करा है। आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 4 महीने पहले दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और NIA, ये चारों पुलिस बलों ने एक साथ मिलकर जो अंतरराज्यीय गैंग्स हैं उत्तर भारत के अंदर, उस पर नकेल कसने का काम शुरू किया था। मुझे बहुत आनंद है कि बहुत बड़ी सफलता ये चारों पुलिस के यूनिट को NIA की तत्वाधान में मिली है और इसमें दिल्ली पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है। नारकोटिक्स के सामने लड़ाई में भी दिल्ली पुलिस ने, भारत सरकार ने जो नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया है उसको पुख्ता करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम मानते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को और विशेषकर दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। एक और तो नशे की ओर चले गए हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखकर उनको वापिस मेन स्ट्रीम में लाना, समाज में पुनः प्रस्थापित करना है और दूसरी ओर नशे का कारोबार करने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड देकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना है। ये दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि इसमें दिल्ली पुलिस की भी अहम भूमिका रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। पुलिस आयुक्त को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कल ही कैबिनेट में देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पुलिस और सभी CAPFs के लिए हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो बढ़ाने के लिए बहुत बड़े बजट को अप्रूव किया है और मुझे विश्वास है कि 2024 के चुनाव में जाने से पहले हम देश के पुलिस, सभी CAPF और दिल्ली पुलिस के हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को 60% से ऊपर ले जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है।
आज जब मैं यहां आया हूं तब दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को आपका जो सूत्र है, आपका जो ध्येय वाक्य है, शांति, सेवा और न्याय, इसी पथ पर आप आगे बढ़ते रहें। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति जिस तरह से आपने 75 साल तक शानदार काम कर संभाली है, इसी प्रकार से आगे नई चुनौतियों को भी आप इसके सामने संघर्ष जारी रखेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अब दिल्ली पुलिस ध्वज का रक्षा टोली की सुरक्षा में परेड स्थल से सम्मानपूर्वक प्रस्थान। आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सब खड़े हो जाएंगे तथा वर्दी में अधिकारीगण व कर्मी सल्यूट करेंगे।